नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। अब गैस सिलेंडर की बुकिंग करना और भी आसान हो गया है। एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग हर महीने करनी होती है। पहले गैस बुकिंग के लिए लंबी लाइन में लगनी पड़ती थी, लेकिन धीरे धीरे अब इससे छुटकारा मिल गया है। गैस बुकिंग कराने के तरीके भी बहुत सारे हैं। अभी फोन के माध्यम से भी बुकिंग हो जाती है। इस कारण कई तरह की परेशानी उपभोक्ताओं को होती थी। इसे देख तेल कंपनियों ने एक और सुविधा दी है। अब आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर गैस की बुकिंग करा सकते हैं। व्हाट्सएप से एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग कैसे करें? भारतीय पेट्रोलियम कंपनियां इंडेन, भारत और एचपी ग्राहकों को व्हाट्सएप पर सिलेंडर बुकिंग की सुविधा दे रही है, जिसे आप बड़ी आसानी से एलपीजी गैस सिलेंडर बुक कर सकेंगे। उपभोक्ताओं को कोई परेशानी नहीं होगी। उपभोक्ता चुटकियों में एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग व्हाट्सएप और एसएमएस के जरिए कर सकेंगे। इसके अलावा वेबसाइट पर जाकर गैस सिलेंडर की बुकिंग भी कर सकते हैं। इस नंबर पर करें सिलेंडर बुक। इंडेन के ग्राहक 7718955555 पर कॉल कर एलपीजी सिलेंडर बुक करा सकते हैं। व्हाट्सएप पर रिफिल लिखकर 7588888824 पर भेजकर सिलेंडर बुक कर सकते हैं। वहीं भारत गैस के ग्राहक 1800224344 पर बुक या फिर एक टाइप कर भेज सकते हैं। इसके बाद आपके व्हाट्सएप नंबर पर एक्सेप्टेड का अलर्ट मिलेगा, जबकि एचपी के उपभोक्ता 9222201122 पर मैसेज भेजकर सिलेंडर बुक कर सकते हैं। ग्राहकों को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मैसेज भेजना होगा। इस नंबर पर आपको कई अन्य सेवाओं की जानकारी भी मिलती रहेगी। सब्सिडी के पैसे के लिए ऐसे करें चेक। आपके अकाउंट में सब्सिडी के पैसे आ रहे हैं या नहीं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने स्मार्टफोन के ब्राउजर में www.mylpg.in पर टाइप करना होगा। इसके बाद कंपनियों के गैस सिलेंडर की फोटो दिखेगी। उनमें से अपने सर्विस प्रोवाइडर के गैस सिलेंडर की फोटो पर क्लिक करें। इसके बाद एक नई विंडो खुलेगी। इसमें आपको ऊपर दाहिनी तरफ साइड इन और न्यू यूजर का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आपके पास आईडी है तो साइन इन करें, नहीं तो पहले आईडी बना लें। इसके बाद लॉगिन करने पर दाहिनी ओर व्यू सिलेंडर बुकिंग हिस्ट्री दिखाई देगी। इस पर क्लिक करने पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आपको किस सिलेंडर पर कितनी सब्सिडी मिली है और कब मिली है। वहीं अगर आपके अकाउंट में सब्सिडी का पैसा नहीं आ रहा है तो आप फीडबैक वाले बटन पर क्लिक करके शिकायत भी कर सकते हैं। बहरहाल कंपनियों का फैसला तो सही है, लेकिन सबसे पहले कंपनियों को गैस की बढ़ती कीमतों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि गैस के दाम इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि लोगों को गैस खरीदने में तरह तरह की परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।